हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पे क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो दिया है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट किस प्रकार से एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार किया जाता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको बच्चों बड़े ध्यान से देखना है। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन है वो डीके गौर की बुक से लिया है 61, जिसके बेस के ऊपर आज न्यूज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप किस प्रकार तैयार होता है, ये आज हम इस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कहा गया है कि जो एक्स है प्रेजेंट कर रहा है फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू हिज पार्टनर वन। अब इसमें प्रॉफिट जो है एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया है वो है 92,200। इसमें टू सैलरी जो है वो एक्स की दिखाई दी है 24,000, सैलरी वाई की जो दिखाई है वो 12,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% एक्स का है वो ऑन 212,000 और वाई का ऑन रुपीज 50,000 जो है वो 3,000 दिया हुआ है। तो टोटल इस प्रकार 15,000 जो है वो हमने यहाँ पर दिया है डेबिट साइड के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एट द रेट ऑफ 12% दिखाया हुआ है 1,200 और जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफर किया हुआ है 3/4 शेयर्स ऑफ रेशियो है वो एक्स का है कैपिटल का अकाउंट के अंदर 30,000 और 1/4 जो शेयर्स ऑफ प्रॉफिट है वो वाई पे ट्रांसफर किया हुआ है वो है 10,000 और इस प्रकार 40,000 है वो प्रॉफिट ट्रांसफर किया हुआ है। लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रति जो वाई है वो अपनी सहमत नहीं है, उसके दिमाग में ये है कि ये जो बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वो फेयरली नहीं है। तो हमें उस फेयर जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, जिससे कि वो पार्टनरशिप एक्ट को कंसिडर करता हो। तो चलिए बच्चों हम बनाते हैं प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो दिखाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो प्रॉफिट दिखाया वो है 92,200 लेकिन कोई इसी के अंदर ये दिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन जो है वो 12,000 यानी कि 12% है जो दिखाया हुआ है 12% के हिसाब से 1,200 दिखाया। तो यहाँ पे बच्चों में देखना है कि एक तो ये एप्रोप्रिएशन से संबंधित नहीं है, तो ये प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होगा पार्टनर्स लॉन जो है और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम इसको वहाँ पे कंसीडर करें यहाँ पर नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास एप्रोप्रिएशन अकाउंट में के लिए ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस से, उसमें से जो एज पर पार्टनरशिप डीड एक्ट क्या कहती है उस रूल को यहाँ पर फॉलो करते हुए उतना जो प्रॉफिट है वो ही लेके आएंगे, बाकी को लेके नहीं आएंगे। तो उसके अगर हमें देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाया हुआ है वो 92,000 दिखाया हुआ है, तो वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से जो हमारे पास 92,200 जो दिखा हुआ है इसमें से बच्चों एक चीज देखना है कि ये 12% है लेकिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जा सकता है पार्टनर्स की लोन के ऊपर वो 6% किया जा सकता है।
इसलिए हम यहाँ पर 12% के बजाय 6% जो बनता है वो यहाँ पर 12 6% बनेगा, 600 रुपये बनेगा। तो 600 रुपये पहले हम यहाँ से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑफ एक्स लोन 600। अब जो अमाउंट आगे यहाँ पे आ जाएगी 91,600, ये अमाउंट हम यहाँ पर शो करेंगे और यही हमें करनी चाहिए क्योंकि इन अफसर्स ऑफ पार्टनरशिप ओनली 6% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर सकता है पार्टनर्स अपने लोन के ऊपर, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। दूसरा हमने ये देखा कि यहाँ पे इन अफसर्स ऑफ पार्टनरशिप डेट किसी भी पार्टनर्स को किसी तरह की सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी, तो ये भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक्स की सैलरी को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, नहीं वाई की सैलरी को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि नई इंटरेस्ट और कैपिटल है वो प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के, तो यहाँ पर ये भी हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो अब बाकी जो है और कुछ ही नहीं बचा, तो अब केवल हमारे पास जो है ये जो प्रॉफिट दिखाया हुआ है वो यहाँ पर दिखाया है 91,600। इसको हमने डिवाइड करना होगा पार्टनर्स के एल इक्वली, क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट के पार्टनर्स ने कैपिटल कुछ भी लगाई हो लेकिन दोनों जो दो या जितने भी पार्टनर होते हैं उन्हें इक्वल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का राइट होता है, तो यदि पार्टनरशिप डेट में दिखाया हुआ है तो वो जो उसके अकॉर्डिंग वर्ष चार्ज करेंगे, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट चाहे उनका कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, केवल इक्वल प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर टू इसके अंदर अमाउंट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट इसका 50% अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 45,800 इसका आएगा और वाई कैपिटल्स के अंदर ट्रांसफर करेंगे इसका भी 45,800 का इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार टोटल है वो 91,600 है वो अमाउंट है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। और इस प्रकार की जो है एप्रो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपसे वो हमारा तैयार हो जाता है। तो मेरे को उम्मीद है बच्चों की इस वीडियो से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बुलाने के लिए हम किस प्रकार से जो पार्टनरशिप डीड की जो टर्म एंड कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार करते हैं। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।